Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. The topics which we are going to cover in today's class are these four topics. This is on a tour of sesame. So these sesame seeds got the GI tag. तो इसी से ही रिलेटेड हम टॉपिक ये जो न्यूज़ है ये कवर करेंगे. कहाँ पे होता है, क्या है एंड ऑल, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, नेक्स्ट कम्स द रोड सेफ्टी इन इंडिया, द हिंदू में. दिस इज द एडिटोरियल, राइट, दिस इज द एडिटोरियल एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं कि रोड सेफ्टी रिलेटेड इशूज एंड ऑल दोज थिंग्स एंड सम रूल्स आर ऑल्सो देयर. वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है. GS2 क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से रिलेटेड है. देन कम्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये जो है वो किसको मिला है, दैट वी विल गेट टू नो. एंड देन कम्स द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, दिस इज द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट. देन कम्स गवर्नर एंड लेजिस्लेचर रिलेटेड वन आर्टिकल विच इज़ अगेन देयर इन द हिंदू इट सेल्फ, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पार्ट, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला जो पेज है वहाँ पर है. इससे रिलेटेड अ फ्यू क्वेश्चन वी विल बी डूइंग, ठीक है, जो कि प्रिलिम्स में आए थे और एक क्वेश्चन जो है वो मेन पे आया हुआ है, दैट ऑल्सो वी विल चेक आउट, राइट. सो किससे रिलेटेड, सो स्पेसिफिकली गवर्नर से रिलेटेड, राइट. सो ये सभी चीज़ें जो है वो हम आज कवर करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंड इन्फॉर्मेशन इज टू नॉट फॉरगेट टू जॉइन प्री श्योर. This is really very compact and it will actually help you cover your syllabus also while and revision and all, वो सारी चीज़ें cover करने में आपको जो है help करेगा. This is available in English and Hindi medium both. English medium the classes are going to start on 27th of November and Hindi माध्यम की बात करें तो ये 5 दिसंबर से Hindi माध्यम में जो भी ये है ये उपलब्ध हो जाएगी, प्री श्योर. ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला आर्टिकल. सो पहला आर्टिकल जो है इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेसमे, जो तिल बोलते हैं ना, दैट इज द वन. सो ओनातुकारा सेसमे, सो दिस इज समथिंग जो कि कहाँ से है, केरला का है, इसको GI टैग मिला है, ठीक है. तो ये दो पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखिएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इसको GI टैग मिला है, दिस इज इन द आलापूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, ठीक है. सो दिस इज हाउ, तो ब्लैक सेसमे ही है एक तरीके से, यू कैन सी डिफरेंट वराइटीज आर देयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब वेर इट कम्स टू द बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स देखें तो ये इसमें बहुत सारा जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है विच इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स या फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स आप बोल दीजिए, ठीक है. दूसरा चीज कम्स द विटामिन ई, ठीक है, इसमें क्या रहता है, विटामिन ई रहता है. ओके, सो इट हैज रियली वेरी गुड कंटेंट इन दीज थिंग्स विच इज रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन, राइट. तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है. एंड GI टैग कहाँ पे मिलता है, जो कि लोकली, मतलब किस चीज को मिलता है, जो कि उस पर्टिकुलर लोकल एरिया से ग्रो होता है, राइट. अब यहाँ पे अथॉरिटीज जो है दे हैव अनाउंस्ड वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, जिस वेरियस स्टेप्स दे आर एक्चुअली टेकिंग, जिससे कि इसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, फार्मर्स को एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, सो दैट वो लोग जो है इसको ग्रो करना स्टार्ट करें. ओके, सो अथॉरिटीज ने सोचा कि इन्होंने अनाउंस किया है इंसेंटिवाइज करने के लिए इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रोइंग सेसमे ऑन द फील्ड्स एंड होम टेड्स इन दी ठेकेकारा कृषि भवन लिमिट्स. सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड कि हम जो है इंसेंटिवाइज करेंगे जो भी फार्मर्स इस चीज को ग्रो करेंगे. यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 रुपीज दिया जाएगा फॉर अ सेंट ऑफ लैंड would be given to the farmers for cultivating this particular sesame. They will be getting this much of amount for a cent of this particular area itself. ये जो project है, this is going to be a joint project, जिसमें कि बहुत सारे ही जो है वो connected रहेंगे, बहुत सारे जो एक तरीके से आप departments कह सकते हैं, जो कि authority और you can say the different departments will be coming together, जिससे कि इसकी growth को बढ़ावा मिले. कौन कौन से हैं, तो local कृषि भवन, ओ यहाँ पे ओनातुकारा विकासन एजेंसी, देन आता है ओनातुकारा रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन,
कृषि विज्ञान केंद्र, कायम कुलम, कायम कुलम एंड मवेली कारा ठेके कारा पंचायत. सो दिस इज द दीज आर द वंस हु विल बी कमिंग टुगेदर, डिफरेंट अथॉरिटीज, डिफरेंट लोग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन से, ये सभी एक साथ मिल करके दे विल बी डूइंग, दे विल बी गिविंग देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू लेट दिस ग्रो. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल बी इंसेंटिवाइजिंग, मतलब एक तरीके से लोगों को कहेंगे, किस किस को बोलेंगे ग्रो करने के लिए, तो इंडिविजुअल्स हो गए, फार्मिंग कलेक्टिव्स हो गए, कुंडुम्बाश्री ग्रुप्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो गए. सो ऑल दीज विल बी कमिंग टुगेदर एंड दे विल बी इंसेंटिवाइज इन ऑर्डर टू डू दैट. अब यहाँ पर जो है हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्वियस बात है आला पूजा, ओना तुकारा सेसमे सीड्स, वट आर द बेनिफिट्स, एंटी ऑक्सीडेंट, वाइटमिन ई इज देयर, GI टैग मिला है. GI टैग किसको मिलता है, जो कि यूनिक प्रोडक्ट है, उसको वो पर्टिव कहाँ से ग्रो होती है, उसकी ओरिजिनेशन बेसिकली जो है वो देखी जाती है, राइट. सो दीज आर द वंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस थिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अभी करते हैं गवर्नर वाला, उसके बाद फिर हम वहां पे आएंगे. इसको हम बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं. लास्ट अगर आपने मेरा DNA देखा होगा तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि डू कवर सरकारिया कमीशन. ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है सरकारिया कमीशन के बारे में भी बात करी है और उसके साथ साथ पंची कमीशन के बारे में भी बात करी गई है. ये जो दोनों ही कमीशन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन्स हैं एंड ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जिन्होंने बहुत ही डिलीजेंटली अच्छे तरीके से अपना जो प्रेपरेशन है वो कर रहे हैं पॉलिटी गवर्नेंस का किया होगा, तो दे मस्ट हैव केम अक्रॉस दीज टू कमीशन्स फॉर श्योर. जो भी कमीशन्स आप कवर करते हैं तो प्लीज डू कवर, डू मेंटेन अ शीट जहां पर कि आप लिख सको कि हाँ भाई ये कमीशन है. ठीक है, ये यहाँ पे कमीशन के नेम आ जाएंगे, नेम यहाँ पे क्या, किस रीजन से, व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से उसको अपॉइंट करना था, हु वाज द हेड, राइट, वो हो गया, क्या रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस अप्लाइड हुई या नहीं हुई, एंड इन बिटवीन हियर ओनली ओब्वियसली डू राइट द ईयर्स ऑल्सो. ओके, इस तरीके से यू कैन मेंटेन अ शीट जिसमें कि सारे कमीशन्स के बारे में मेंशन हो एक ही प्लेस पे. ओके, अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो आपको बनी बनाई भी बहुत सारे जगह से मिल जाएंगी. Why I am asking you to do this thing? Because आप जब खुद से लिखते हो तो लिखने की वजह से चीजें याद हो जाती हैं बहुत ही आसानी से. सो प्लीज डू इट ऑन योर ओन. आज तो दो कमीशन यही कवर हो जा रहे हैं. ओके, चलो. सो अभी हम काफी टाइम से गवर्नर के बारे में कवर कर रहे हैं कि अभी लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि RN रवि एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इनके बीच में काफी खींचतान चल रहा है, दैट द बिल हैज बीन पास्ड एंड पास करके गवर्नर को दिया गया, गवर्नर ने जो है उसको कोई एसेंट नहीं दिया, उसको जो है अपने पास ही रखेंगे रखे हुए हैं, किसी भी तरीके का एक्शन हैज नॉट बीन टेकन. ठीक है, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसको फिर दोबारा पास करके सेंड किया है, तो उसके बाद भी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग हैज बीन डन, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के साइड से देखें तो दिस इज रियली वेरी रॉन्ग थिंग विच द गवर्नर इज एक्चुअली डूइंग, राइट. हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई बिल जो है अगर हाउसेस से पास होकर के गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर जो है वो जो भी डिसीजन लेता है, सपोज उसने रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न होने के बाद उसमें फिर से अगर वो जो है अगर चेंजेस करे ना करे, व्हाटएवर द थिंग्स द असेंबली इज हैज बीन डूइंग, वो करके फिर से अगर वो वापस भेजता है तो गवर्नर को जो है आसन देना चाहिए, बिकॉज अगेन दे हैव सेंट इट, राइट. बट दैट हैज नॉट बीन डन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, राइट. सो दिस इज वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड दिस इज द रीजन वाई द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो इंटरवीनिंग. एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर यह बात कही कि दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है बात करी गई है, दैट वी विल सी, लेट्स चेक आउट. एंड एज ऑफ नाउ आप लोगों को आर्टिकल 200 तो याद हो ही गया होगा, बिकॉज वी हैव बीन कवरिंग दैट अ लॉट मेनी टाइम्स. ठीक है, तो आर्टिकल 200 के बारे में फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड वही चार ऑप्शंस जो है वो फिर से कहे गए हैं. तो गवर्नर की पावर्स की अगर हम बात करें, और पावर्स इन द सेंस की जब हम बात करते हैं, Whenever a bill is actually being passed, ठीक है, बिल जो है वो असेंबली से पास होकर के गवर्नर के पास गई,
ठीक है, गवर्नर के पास गई बिल पास हो करके, एंड यहाँ पे गवर्नर के पास जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं. ही कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, और जैसे ही वो अपने साइन करता है एसेंट दे देता है, दैट बिल बिकम्स एन एक्ट, राइट. ही कैन एक्चुअली रिजेक्ट, ही कैन रेकमेंड, ही कैन एक्चुअली सेंड इट बैक टू द असेंबली, ठीक है, सेंड बैक टू द असेंबली फॉर द चेंजेस और एनीथिंग, ठीक है, उसको फिर से आप जो है ध्यान पूर्वक सोचो एंड ऑल. वो फिर से जब उस चीज के ऊपर सोचते हैं एंड वट एवर द चेंजेस, इफ दे फील की चेंज करने की जरूरत है एंड ऑल, वो चेंज करते हैं. उसके बाद फिर से जब गवर्नर के पास भेजते हैं, अगेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट, देन अगेन ही कैन नॉट सेंड इट बैक, बट ही एक्चुअली हैज टू गिव हिज एसेंट. दैट इज द थिंग विच इज एक्चुअली बींग डन. ही कैन कीप द बिल, ठीक है, वो बिल के पास, बिल को जो है अपने पास रख रहे हैं. ही कैन कीप द बिल फॉर दी कंसल्टेशन, और यू कैन से एक तरीके से प्रेसिडेंट के साथ विचार करने के लिए, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है वो रखना होगा. यहाँ पे रख सकते हैं, अगर अब यहाँ पे जब कंसिडरेशन की बात आ रही है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो कब रख सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो तब रख सकते हैं जब उनको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी चीज को ये एक तरीके से वायलेट करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से ये वायलेट करता है, तो वहां पे कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं. या फिर यूनियन गवर्नमेंट के किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, किसी तरीके कोई एक्ट है, कोई है किसी चीज को ये ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस. नाउ ओवर हियर जब ये बात आती है कि बिल को वापस करने की जो बात आती है यहाँ पे, तो गवर्नर जो है वो कभी भी ध्यान में रखिएगा कि मनी बिल को वो कभी भी जो है ही इज नॉट सपोज टू सेंड इट बैक, ठीक है, मनी बिल को कभी जो है वो वापस नहीं भेज सकता है, क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस ही किया जाता है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट से एक तरीके से परमिशन लेकर के ही किया जाता है. ओके, सो देयर आर फोर पावर्स विद इट. गिव एसेंट, ही मे गिव एसेंट टू द बिल विच विल बिकम एन एक्ट. देन कम्स मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल. ओके, इट मीन्स ही इज कीपिंग द बिल विथ हिम. थर्ड कम्स ही कैन रिजेक्ट द बिल इन विच द बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ, बिकॉज ही हैज कम्प्लीटली रिजेक्टेड. नहीं, बिल को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना रख रहे हैं ना हम पास कर रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है, तो वहां पे वो रिजेक्ट हो गया, तब वो बिल वहीं पे ही फिनिश ऑफ हो गई, राइट. उसके अलावा यहाँ पे जो है लास्ट इसका पास इनके पास ऑप्शन बनता है, ही मे रिटर्न द बिल, रिटर्न कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, सो दीज आर द फोर ऑप्शंस विथ हिम. नाउ there is one case which over here which has been mentioned, and that is the Shamsher Singh case 1974. yahan pe ye kaha gaya tha ki the governor does not exercise the discretionary powers. ओके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गवर्नर के पास ये ऑप्शन है, गवर्नर के पास वो ऑप्शन है, इस तरीके से कर रहे हैं, बट गवर्नर इज एक्चुअली नॉट टेकिंग द डिसीजन ऑन हिज बिहाफ. मतलब एक तरीके से वो अपने ही हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहा है. देयर आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट मीन्स दैट देयर आर मिनिस्टर्स हु आर एक्चुअली हेल्पिंग हिम टू टेक द डिसीजंस. तो मिनिस्टर्स जो है वही बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर सपोज टू डू. ओके, एंड वही चीज को वो कह रहा है. तो डिस्क्रिशनरी पावर्स की अगर हम बात करें, तो उसके पास ऐसा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि वो अपने दम पे ही इज एक्चुअली टेकिंग दोज काइंड ऑफ डिसीजंस, तो नो ऐसा कुछ नहीं है. ओके, वाइल विदहोल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, ही इज नॉट एक्चुअली एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर. नाउ यहाँ पे इनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे काम करना पड़ता है, राइट. ये सारा मटेरियल जो है वो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही हेल्प करेगा, स्पेसिफिकली में प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस में इतने इजी टाइप से तो नहीं रहेगा, बट द पॉइंट इज दैट वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे आदमी जो है थोड़ा सा घूम जाता है. खैर, जब द सिचुएशन ऑफ विदहोल्डिंग एसेंट में अराइज इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल, अगर प्राइवेट मेंबर की जो बिल है, ये ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट मेंबर्स जो है वो भी अपना बिल लेकर के आ सकते हैं. अगर वो प्राइवेट मेंबर की बिल है तो वहां पर ये विदहोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, विदहोल्ड जो है वो किया जा सकता है.
passed by the state legislature which the council of ministers do not want to be enacted. अब council of ministers जो है वो कह रहे हैं भाई हम इसको enact ही नहीं करना चाहते हैं. In such an instance they would advise the governor to withhold his assent. उस पर्टिकुलर केस में कहेंगे कि भाई आप इसको जो है विदहोल्ड कर लो, वी डोंट वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी पास, ठीक है, इसको जो है हम पास नहीं करना चाहते हैं. दिस इज समथिंग विच कुड बी डन, ही कुड विदहोल्ड हिज असेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज बीइंग सेड दैट इफ द इनक्यूमेंट गवर्नमेंट हुज बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉल्स और रिजाइन्स बिफोर इट इज असेंटेड टू by the governor, the new council may advise the governor to withhold his assent. The new council of ministers, they could actually ask ki bhai assent dene ki kisi bhi tarike se koi zarurat nahi hai. Wahi pe hi return karne ki agar hum baat kare, this is again is it is done on the basis of the ministerial advice itself. So whatever is actually being done on the basis of the ministerial advice, ab yahi pe hi agar main aapko example do, ghar mein jab dada ji bahut boodhe ho jate na, मतलब पापा के पापा जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं ना, नहीं ऐसे करना है, ठीक है, बेटा बोल रहा है कि नहीं ऐसे करना है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बस बोल दे रहे हैं हाँ ऐसे ऐसे करना है. ही इज नॉट यूजिंग एनी हिज ब्रेन और एनी काइंड ऑफ यू नो हिज डिस्क्रिशनरी पावर कि मैं घर में बड़ा हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा, इस तरीके से इज नॉट डूइंग द एडवांस. उसने बेटे ने कहा ऐसे करना है तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है ऐसे करना है, दैट्स इट. दैट इज वॉट इज द गवर्नर इज एक्चुअली डूइंग. ओके, वही काम जो है वो गवर्नर कर रहा है. नाउ द गवर्नर शैल असेंट टू सच अ बिल इफ इट पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. जब रिटर्न करने की बात आती है कि भाई असेंबली में वापस भेजो, रिकंसीडर करे, तो रिकंसीडरेशन करने के बाद जब वो वापस बिल को भेजते हैं, देन द गवर्नर हैज टू गिव हिज असेंट एट दैट टाइम. गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है बिल जहां पर कोई ऐसे बिल्स जहां पर की जो हाई कोर्ट है उसकी पावर्स को रिड्यूस करने की बात हो रही है. ओके, एंड इस तरीके के बिल्स को ये रिजर्व करके रखेगा फॉर द कंसिडरेशन, रखेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड इसके अलावा ये वो बिल्स को भी रिजर्व कर रख सकते हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट, थ्री देयर थ्री लिस्टिंग्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. डिफरेंट डिफरेंट जो टॉप चीजें हैं इन सारे लिस्ट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में विद वो बिल जो कि कंकरेंट लिस्ट में कोई टॉपिक जो है उसके ऊपर बनी हुई है, दैट आर रिपग्नेंट टू अ यूनियन लॉ बेस्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस. इस तरीके के बिल को भी रिजर्व करके रखा जा सकता है जहां पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा बिल लेकर के आ रही है जो कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर है और यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस टॉपिक पे जो है वो अपनी लॉ बना रखी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है. अब यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग, देर आर थ्री लिस्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको कहा देर आर थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कम्स द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है. अब यहाँ पे जो यूनियन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो यहाँ पे जो भी लिस्ट रहेंगे उसके बेसिस पे बनेंगे, जो भी इसमें है टॉपिक उसके बेसिस पे रहेंगे. स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी जो उनके अंतर्गत आता है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं उनके अंतर्गत, ठीक है. अब यहाँ पे जब बात आती है कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, सपोज ए और बी है, ठीक है, ए कोई चीज है, अब इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया हुआ है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द लॉ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल प्रिवेल. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ और उसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बनाया हुआ है और यूनियन गवर्नमेंट ने भी, तो देयर द यूनियन लॉ इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रिवेल्ड. प्लीज डू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज रियली वेरी बेसिक बट येट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. नाउ द प्रोविजंस ऑफ द विल नॉट कॉन्ट्रविन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर शुड बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन,
हमने ये चीज पहले भी कवर कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि जिसके अंतर्गत जो है गवर्नर को जिसके अंदर ही पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो लेना है, ठीक है, इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इन यू कैन से दैट दिस इज दी बोन ऑफ कंटेंशन, यू कैन से, जो कि एक तरीके से दिक्कत जो है वो एक्चुअली क्रिएट कर रही है बिटवीन द स्टेट एंड दैट ऑफ द गवर्नर, कि भाई ये क्या कर रहे हो आप किसी को कोई कंसेंट ही नहीं दे रहे हो, कुछ तो बोलो, द गवर्नर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। क्या हमारे पास पहले किसी तरह कोई रिकमेंडेशन आए हैं? तो हाँ आए हैं। यहां पर मेंशन किया गया है सरकारी कमीशन जो कि 1987 में एस्टेब्लिश करी गई थी, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया था एंड इट सेड दैट इट इज ओनली द रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट टू अंडर रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दैट कैन बी इम्प्लाइड एज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। हमने देखा इससे पहले कि डिस्क्रिशनरी गवर्नर जो है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर जो है एक्सरसाइज नहीं करता है। बट वेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है किसी तरह कोई बिल है लेकर के आए हुए हैं कोई स्टेट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस विच इज रियली वेरी रेयर, बिकॉज दिस इज रियली वेरी रेयर कि कोई गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके का स्टेप लेगी डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट दिस इज रियली रॉन्ग, है ना। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किस तरह कोई काम नहीं कर सकते, यू आर एक्चुअली डिराइविंग योर पावर फ्रॉम दैट, राइट। तो यहां पे जो है वो गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो अप्लाई करता है। नाउ सेव इन सच एक्सेप्शनल केसेस द गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर रखा हुआ है और प्रेसिडेंट को भेज दिया गया तो 6 महीने के अंतर्गत जो है उसको अपना किसी भी तरीके का जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेकर के अपना काम कराम जो भी काम है वो खत्म कर लेना। नाउ इन द इवेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विदहोल्डिंग द एसेंट, अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट जो है वो विदहोल्ड कर देता है उस पर्टिकुलर बिल को लेकर के, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज गोइंग टू बी सपोज टू बी द रीजन हैज टू बी मेंशन कि क्या रीजन है जिसके बेसिस पे यू आर डूइंग दिस थिंग, ओके। सो द रीजंस हैज टू बी डिसेमिनेटेड, वो जो है वो बताना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे कमीशन दिया गया है पंची कमीशन। पंची कमीशन ने ये रिकमेंड किया था दैट द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर देयर एसेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इससे पहले बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो 6 महीने के अंदर अपना एसेंट दे दे, जो भी काम करना है कि नहीं करना है, एसेंट देना है, विदहोल्ड करना है, जो भी करना है जस्ट डू दैट विद इन 6 मंथ्स सरकारी कमीशन में। अब पंची कमीशन में भी सेम चीज कहा गया है, 6 मंथ्स में अपना जो भी डिसीजन लेना है वो करो। लेकिन द पॉइंट इज दैट ये पंची कमीशन जो है वो कब आया, 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन स्टिल इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, इसको अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया है, ओके। बाद में क्या हुआ, नाउ हाउ कैन दिस इम्पास बी रिजॉल्व्ड। अब इसको रिजॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसमें इसको रिजॉल्व करने के तरीके में कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो गवर्नर की पोस्ट है इसी को डिस्पोज कर दो, इसको हटाई दो, इसको अबॉलिश कर दो, ओके, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से बना हुआ है जहां पर कि हमको प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की ही जरूरत है, ओके, वी जस्ट कैन नॉट लेट इट गो, हम जो इसको खत्म नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव वी नीड दिस थिंग, फॉर द स्टेट वी नीड गवर्नर एंड फॉर द यूनियन वी नीड प्रेसिडेंट, ठीक है। दादाजी भले ही जो है वो बैठे हुए हैं, इधर की सुन रहे हैं वैसे ही बोल दे रहे हैं, ठीक है, बट द पावर इज स्टिल विद दादाजी ओनली, गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट स्टिल विद देम ओनली, विद हिम ओनली एक्चुअली। अब वो जो है साइन करेंगे तभी जा करके जो है वो पेपर, वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी की होगी, राइट, वो ऐसे ही जो है वो किसी की नहीं होने वाली, ओके। अब यहाँ पे इसलिए दादाजी भले ही बूढ़े हैं लेकिन उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। नाउ द गवर्नर एक्ट्स एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर, जो गवर्नर है वो सेंटर के अपॉइंटी के तौर पर काम करता है। और यहाँ पे गवर्नर का काम क्या है भाई, गवर्नर का काम क्या है,
गवर्नर का काम है कि वो एक तरीके से ब्रिज का काम करे बिटवीन द सेंटर, विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करे. दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी डन बाय द गवर्नर. ठीक है, जो कि गवर्नर इस तरीके से काम नहीं करते हुए वो तोड़ने वाला काम, ब्रिजिंग को काम करने के बजाय ये जो ब्रिज है वही कंप्लीटली खत्म कर दे रहा है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. तो इट इज सपोज टू वर्क इन सच अ वे दैट इट इज सपोज टू वर्क फॉर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. फेडरलिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, एंड गवर्नर की ऑफिस जो है इट इज नॉट सपोज टू बी अंडरमाइन द पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड. डेमोक्रेसी हमारी हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है. यू जस्ट कैन नॉट लेट इट गो, राइट, एंड उसको सरपास जो है आप नहीं कर सकते. नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर्स को थोड़ा बहुत जो है सोल सर्चिंग करने की बहुत ही ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेड टू, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है कि भाई इसमें सजेशंस वे फॉरवर्ड की बात हो रही है. बेसिकली एक वे फॉरवर्ड में बात होगी गवर्नर की पोजिशन जो है उसको हटा दो, ठीक है, ये वाला काम कर दो. फिर हमको लगा कि नहीं ये वाला काम जो है हम नहीं कर सकते. दूसरा ये कहा कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट से पहले आप एक काम कर सकते हो कि चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उससे आप कंसल्ट कर लो कि हम इसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, व्हाट डू यू फील. ठीक है, फिर उसके हिसाब से बात विचार करके उसको अपॉइंट कर दो, उनको अपॉइंट कर दो. दिस कैन बी डन, राइट. नाउ द रिकमेंडेशन ऑफ पंची कमीशन दैट द गवर्नर्स मे बी रिमूव्ड थ्रू द इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड. कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर आप गवर्नर का करना चाहते हो तो वो काम भी किया जा सके. तो दैट काइंड ऑफ पावर इज सपोज टू बी गिवन ओनली, उसको भी एक्सरसाइज किया जा सकता है कि अगर गवर्नर इस तरीके काम कर रहे हैं, कोई बिल ही नहीं पास होने दे रहा है, तब तो सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएगी. हाउ दे वुड बी एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा अगर ऐसा इम्पीचमेंट वाला चीज आ जाएगी और प्राइम और जो चीफ मिनिस्टर है उसको सिलेक्शन में जो है उसका से माना जाएगा. तो इन दिस वे इट वुड बी एक्चुअली आर्मिंग द स्टेट लेजिस्लेचर्स विद द पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर. दीज अमेंडमेंट्स वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन द सेंट्रल एंड दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स रिजल्टिंग इन रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर्स एज वेल. Okay, so this was it related to this particular article. Now let's check out some questions. यहाँ पे question है, PYQ 2019 का है. The question is, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in the politics in the recent past. किसी तरह कोई political link नहीं हो और कि recent past में उसने किसी भी तरीके का political party से कोई link ना हो. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एआरसी ये एआरसी है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमने इसको कवर कर लिया है तो यू कैन वेरी इजीली आंसर गवर्नर, सरकारिया कमीशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिस इज ऑल्सो PYQ आई गेस 2016-17 ऐसे कुछ है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. बट द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल. सेकेंड इज अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स. थर्ड इज रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड लास्ट वन इज मेकिंग द रूल्स टू कॉन्डक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. सो यहाँ पे आपको चूज करना है विच ऑफ दी अबव आर एक्चुअली करेक्ट. ओके, सो चूज योर आंसर केयरफुली. यहाँ पे क्या क्या पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना होता है, गवर्नर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वहां पे. अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, या फिर रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेकिंग द रूल्स टू कॉन्डक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. मेकिंग द रूल्स, ठीक है, फॉर द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ी यू कैन वेरी इजिली गिव द आंसर. आंसर ओवर हियर इज 1 एंड 3. ठीक है,
क्योंकि जहां तक ये रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस कैसे कॉन्डक्ट करना है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज सपोज जिसमें किसी भी तरीके का कोई रोल है गवर्नर का. मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं करते हैं भाई, ठीक है, वो काम नहीं होता है. यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. अब नेक्स्ट आता है मेंस का क्वेश्चन. तो मेंस का ये है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर. डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर. राइट, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आंसर, इसको जरूर लिखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. IMA Nurses Association honored with Indira Gandhi Peace Prize. तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है 2022 का ये दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा. सो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022, ये किस किस को दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट इज दी IMA, इनको दिया गया है. एंड ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको दिया गया है. क्यू फॉर as a COVID warrior basically. They actually worked as a COVID warrior. COVID-19 में they were the one who actually उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके हमारे लिए काम किया था, ठीक है. So that is what is that is the reason why they have been awarded with this thing. ठीक है, तो 2022 का है, ये चीज ध्यान में रखिएगा. Now let's move on to the last topic of the day. And यहाँ पे हम road accidents के बारे में बात करेंगे. स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू दी राइट लेन. यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हर साल लगभग 3 लाख लोग जो है वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, ओके, जब रोड एक्सीडेंट्स की बात आती है. तो why ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज पीपल डोंट वियर हेलमेट, बिकॉज सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाते हैं. सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं जो फ्रंट रो में आगे की तरफ बैठे रहते हैं कार में, वो नहीं लगाते हैं. जो पीछे बैठे रहते हैं वो भी नहीं लगाते हैं. अब जब एक्सीडेंट होती है तो आगे वालों को तो काफी ज्यादा, अब आगे की तरफ आई एम सिटिंग एंड इन द बैक आई एम ऑल्सो नॉट वेयरिंग द बेल्ट एंड एट द बैक ऑल्सो द पर्सन हु इज सिटिंग दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट वेयरिंग द बेल्ट. तब एकदम से जब हिट करता है तो द पर्सन विल बी, ऑब्वियसली बात है, इट इज गोइंग टू बी नो फ्रंट, किसी भी तरीके कोई सेफ्टी नहीं है, वो आगे की तरफ एकदम से जाएंगे. एयर बैग्स किसी भी तरीके से इंपैक्ट करके सम बॉडी, योर बॉडी पार्ट्स विल बी फ्रैक्चर्ड. एंड पीछे से जो पर्सन है दैट विल आल्सो कम फॉरवर्ड बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच जो कि बहुत आराम से जो है वो हिट करने वाला है. ओबियसली बात इज गोइंग टू हिट रियली वेरी बैडली. ऑल ऑफ यू कैन ओबियसली रिकॉल रिसेंटली यू नो सम आई एम नॉट गेटिंग द नेम बट अ फ्यू really very rich people, they actually died because of this road accident only. ये road accident की वजह से ही उनकी death हो गई थी, right? And वो सभी जो है वो actually बहुत ही high speed पर चला रहे थे and at the back seat they were not wearing the belt, seat belt नहीं पहन रहे थे. हम इन चीज़ों को बहुत lightly लेते हैं लेकिन this is something which is really very serious issue. So हर साल इंडिया में लगभग 3 लाख लोग जो हैं दे लूज देयर लाइफ. ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये चीज को यहाँ पर बताया है. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया कैन एक्चुअली बिल्ड रियली वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू द रोड एंड ऑल. एंड वी मस्ट डू दिस बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि ह्यूमन रिसोर्स वी आर लूजिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट द फैमिलीज जो है अपने लोगों को, अपने अपने जो है भाई बंधु बहन बच्चे जो भी, उन सभी की डेथ हो जा रही है रोड एक्सीडेंट्स में. एवरीवन इज लूजिंग देयर लाइफ, तो वो खो दे रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जीडीपी के टर्म्स में भी देखें तो वहां पे भी अच्छा खासा लॉस हो रहा है. कितना, 5% से 7% के बीच में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाया गया है कि रोड क्रैशेस की वजह से इतना नेशनल जीडीपी का जो है वो उतना लॉस हो जाता है. रोड सेफ्टी एक तरीके से सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. व्हाई? दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल प्रॉब्लम जहां पर कि ये बताया जा रहा है कि 1.3 मिलियन लोग जो हैं दे आर बीइंग किल्ड इन क्रैशेस एवरी ईयर. क्रैश रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 1.3 मिलियन पीपल आर डाइंग. एंड नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन टुडेज क्लास,
क्यों? क्योंकि रिसेंटली यानी कि नवंबर 19 को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ट्रैफिक फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इनका इनके लिए होता है फॉर द रिमेम्बरेंस थिंग फॉर द रिमेम्बरेंस थिंग ठीक है. नाउ रिसेंटली 2022 में हमने ये डीएनए में भी कवर किया था कि गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी थी जिसमें ये बताया कि बहुत सारे क्रैशेस जो हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंडिया में हुए हैं इन दी लास्ट ईयर. एंड यहाँ पे रीजंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है सीट बेल्ट की और हेलमेट की इशू यहाँ पे दोनों ही इशूज हैं ठीक है. एक तो सीट बेल्ट वाली इशू हो गई और दूसरी जो है वो हेलमेट वाली इशू. सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से जो चांसेस हैं डेथ के वो 45 से 50% चांसेस हो जाती हैं. एंड वहीं पे ही अगर पीछे जो पर्सन बैठा हुआ है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो 25% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं डेथ के या फिर किसी भी तरीके की सीरियस इंजरीज की. हेलमेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट मस्ट बी एनफोर्स्ड अमंग मोटरसाइकिलिस्ट. इनको पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. करेक्ट तरीके से प्रॉपर तरीके से आप जो है वो पूरा लॉक करके आप हेलमेट पहनते हो तो इवन इफ समवन इज हिटिंग फ्रॉम द बैक इफ यू आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट योर ब्रेन. आपके ब्रेन को हर्ट नहीं करेगा. एंड प्लीज़ ये जो लोग आप लोग स्ट्रीट पर से कहीं से भी कोई भी जो हेलमेट खरीद लेता है जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द पुलिसमैन उससे तो बच जाओगे लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या करोगे. तो प्रॉपर अच्छा जो हेलमेट होता है प्लीज परचेज दैट बिकॉज योर लाइफ इज वे मोर इम्पॉर्टेंट दैट दैन दैट प्राइस ऑफ द हेलमेट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी. वो प्राइस कितना ही होगा जो आपको मेरे ख्याल से 400-500 का मिलता है वो आपको 1000-1500 में मिल जाएगा ठीक है. बट एटलीस्ट यू विल बी सेफ. क्या ज़्यादा ज़रूरी है. यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट दिस थिंग. इसके अलावा वल्नरेबल जो रोड यूजर्स हैं जैसे कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं साइड में चल रहे हैं आराम से साइकिलिस्ट्स हो गए टू व्हीलर्स चलाने वाले हो गए तो ये भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्सीडेंट्स होने की केस की अगर आप बात करो तो. रोड डेथ्स बहुत सारे हो जाते हैं. फॉर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ रोड डेथ्स इन इंडिया आर एक्चुअली हैपनिंग टू दीज पीपल. दे आर रियली वेरी वल्नरेबल. तो रोड पर जब चल रहे हो तो बड़े संभल करके चलो. ये हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी कि रोड की जो बनावट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है यहाँ पे. देयर आर अ लॉट मेनी ब्लाइंड एंड्स जिसकी वजह से जो डेथ के चांसेस जो एक तरीके से क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. पैसेंजर्स अनबेल्टेड इन द बैक सीट आर नॉट ओनली रिस्क टू देमसेल्व्स अपॉन इम्पैक्ट बट ऑल्सो टू दोज इन द फ्रंट सीट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस थिंग क्यू सिर्फ पीछे बैठे हुए हैं तो उन्हीं के लिए ही दिक्कत वाली बात नहीं है बल्कि जो आगे बैठे हुए बेचारे उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है. तो प्लीज़ डू वेयर सीट बेल्ट्स. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एनहांस करने की ज़रूरत है सेफ कंडीशन रहे इस तरीके से प्लानिंग पूरी जो है बहुत अच्छी सी होनी चाहिए. रोड सेफ्टी से रिलेटेड हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट कि आप जो है कैंपेन चला सकते हैं. जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे हैशटैग मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट करके जो है आप रोड सेफ्टी का एक पूरा कैंपेन टाइप चला सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिकॉज नाउ द पीपल आर वे मोर कंसर्न अबाउट यू नो द इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू जो सही है वो काम करना. तो जो भी सेलिब्रिटीज है वो कहें वैसा ही कर लें तो इट इज़ बेटर कि सेलिब्रिटीज जो है धोनी हो गए चाहे फिर चाहे जो भी हो गए तो उनको बोलिए कि वो जो इस तरीके से लोगों को रिक्वेस्ट करे उनको लेकर कोई ऐड करिए कोई कैंपेन चलाइए सो दैट पीपल कुड लिसन वुड लिसन टू देम. एंड वो जो प्रॉपर हेलमेट हो गया सेफ्टी हो गई रोड पे चलते टाइम एंड कार में बैठते टाइम सीट बेल्ट लगाना एंड ऑल दोज थिंग्स कुड बी डन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में स्टार्ट करे गए थे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी SDGs में भी बात करी गई थी. किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी. टारगेट 3.6 टू हैव द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम रोड क्रैशेज से जो नंबर ऑफ डेथ्स एंड लोग जो इंजर्ड हो रहे हैं उसको कम करना. एंड कॉल 11.2 में लिखा गया है अ कॉल टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफर मोर अफोर्डेबल एंड मोर एक्सेसिबल टू ऑल. द नेशनल गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर व्हीकल्स. नेशनल गवर्नमेंट
ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019, ये अभी तक जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसके करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या और इसके अलावा हमारे पास बेटर तरीके होने चाहिए जिससे कि हम रोड क्रैशेस जो हुए हैं उसका डेटा कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड कटिंग एज तरीके जो है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इट मीन्स दैट जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज़ किया जा सके फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड ऑल, इस तरीके की चीज़ें करी जा सके। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अभी दिल्ली में यूज़ करी जा रही है, इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ हेलमेट्स की जो एक्सेस है उसको इंक्रीज करने के लिए स्पेशल एनवॉय हैज वर्कड विथ हेलमेट प्रोड्यूसर्स, दे कैन डू दिस थिंग वेयर इन $20 के अंडर ही ये जो है बेटर, बहुत ही प्रॉपर सेफ वाले जो हेलमेट होते हैं वो लोगों को प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करे हैं। इसके अलावा व्हाट वी कैन डू दैट, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो सक्सेसेस हैं हुए हैं रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने में, जहाँ पर भी जो भी तरीके के स्टेप लिए गए हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी डन, उसको अडेप्ट किया जा सकता है इंडिया की नीड के हिसाब से एंड उसको जो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी डिड इन टूडेज क्लास, आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने रोड सेफ्टी वाली बात करी थी वो आपके पर्सनल नॉलेज ऑब्वियसली बात है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे जो है ना फॉर्डर चीजें होती हैं जो इकट्ठी होकर के आपका एक पूरा मेन्स का आंसर बनाती है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स कुड एक्चुअली हेल्प यू, ओके। चलो एंड प्लीज रोड सेफ्टी का जो रिपोर्ट है वो हमने पहले कवर करके रखा है, सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दैट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। So see you in the next video guys, take care, bye bye and have a great time, good night, Jai Hind.